गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट वी ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट इज माउथ। आप अपने दोनों लिप्स के बीच में एक स्लिट देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड माउथ। माउथ इज अ स्लिट दैट इज बाउंडेड बाय अपर एंड लोअर लिप, दैट इज कॉल्ड माउथ। सेकेंड पॉइंट, अब अपने अपर और लोअर जाके टीथ को ऐसे आपस में ज्वाइन करो, तो आपको कुछ स्पेस टीथ के पीछे मिलेगा, कुछ स्पेस टीथ के आगे मिलेगा। जो स्पेस टीथ के आगे की तरफ मिल रहा है लिप्स और टीथ के बीच में, दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। और जो स्पेस टीथ के पीछे की साइड मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी। बक्कल कैविटी इज द स्पेस दैट इज बाउंडेड बाय टीथ ऑन द फ्रंट साइड। अब बक्कल कैविटी में क्या क्या मिल रहा है आपको? बक्कल कैविटी में टीथ आर प्रेजेंट, टंग इज प्रेजेंट। इन बक्कल कैविटी देयर इज अ रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। टंग को एक राउंड लगवाए ऊपर की तरफ, दैट इज कॉल्ड द रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। दिस रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, जब आपने टंग को राउंड लगवाया, मेरे साथ साथ राउंड लगवाए, तो आपको क्या लगा कि सरफेस स्मूथ नहीं है, सरफेस अनइवन है, तो इसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस अनइवन सरफेस और हार्ड पैलेट? इट हेल्प द फूड पार्टिकल टू स्टे इन बक्कल कैविटी फॉर द लॉन्ग टाइम so that food can undergo proper mastication। food को अच्छे से चबाया जाए दांतों से। ऐसा तो नहीं है अब आप ब्रेकफास्ट करेंगे या लंच करेंगे, आप करके देखें कि जो फूड आप चबा रहे हैं, चबाते चबाते आपको लगे फूड तो फिसल गया है, फूड तो हमें निगल गया है। जब तक आपकी विल नहीं होगी आप फूड को निगल नहीं सकते। दैट इज द फंक्शन ऑफ हार्ड पैलेट, दैट इज कॉल्ड रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। इस हार्ड पैलेट में अगर हम पीछे की तरफ जाएं, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट क्या होगा? स्लिपरी होगा और फूड को निकलने में हेल्प करेगा। फिर आपकी बक्कल कैविटी में टंग प्रेजेंट है, टंग जहां प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड फेरेंस। फेरेंस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टंग। फिर फेरेंस की बात करें, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो कि जल नीति वगैरह करते हैं, योगा करते हैं, नाक से कुछ डाला मुंह से निकाल दिया, मुंह से कुछ डाला नाक से निकाल दिया। That means there is a common space between the oral cavity and nasal cavity. That is called pharynx. The part of pharynx which communicates with nasal cavity, that is called nasopharynx, and part of pharynx which communicates with oral cavity, that is called oropharynx. There is also one part of pharynx that is called laryngeopharynx. Laryngeopharynx communicate with larynx. And what is larynx? Larynx is the sound producing organ. Larynx is sound producing organ. Now we start the diagram of digestive system. This is bucket cavity. अब ये आगे की तरफ हमारी विंड पाइप होती है और पीछे की तरफ हमेशा फूड पाइप होती है। आप फूड पाइप को थोड़ा लंबा दिखा सकते हैं, फूड पाइप की लेंथ डिपेंड करती है, इट इज लॉन्ग अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम बक्कल कैविटी को कंप्लीट करेंगे। हेयर इज प्रेजेंट इन ग्लैंड, दिस ग्लैंड इज कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड। कान के नीचे होता है ग्लैंड, दिस इज कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। इट्स फंक्शन इज टू सेक्रीट द सलाइवा। आप अपने मुंह में जीभ को घुमाकर देखें, आपको पता लगेगा कि आपका मुंह ड्राई नहीं है। इसमें सलाइवा प्रेजेंट है, दैट इज सेक्रेटेड बाय पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। और ये क्या है, इसकी डक्ट है पाइप है जो कि बक्कल कैविटी में ओपन हो रही है। फिर हम दो ग्लैंड यहां बनाएंगे,
car. Battery again. This is submandibular. Submandibular, mandible cavity. Mandible is the jaw and this is smallest gland, sublingual. Lingual word is for tongue. Sublingual, जो कि tongue के नीचे present है, it is the smallest gland that is present below the tongue. It is called sublingual gland. This is called trachea or windpipe. And this is esophagus. That is food pipe. And this part, it is called pharynx. It communicates above with nasal cavity, then it is called nasopharynx, and below with buccal cavity, then it is called oropharynx. अब आपने अगर ब्रश किया है तो आप अपने गले को खोल कर देखें, आपके गले में पीछे की तरफ एक फ्लैप हैंग कर रहा है इस टाइप का, दैट इज कॉल्ड यूवुला. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूवुला? यूवुला कट द बक्कल कैविटी फ्रॉम नेजर कैविटी. जब आप खाने को निगलते हैं, खाने के निगलने को बोलते हैं बेटा स्वेलोइंग. स्वेलोइंग ऑफ फूड, और इसको और क्या बोलते हैं, और डिग्लुटेशन. डिग्लुटेशन ये खाने को निगलना है. जब हम खाने को निगलते हैं तो हमारी टंग खाने को पीछे की तरफ रोल करती है और खाना नोज में नहीं जाता. नोज में क्यों नहीं जाता? क्योंकि जो यूवुला है दैट कट द विंड पाइप फ्रॉम, सॉरी, दैट कट द इसोफेगस फ्रॉम द नेसोफेरिंग. खाना ट्रेकिया में भी नहीं जाता. अगर खाने का एक पार्टिकल भी ट्रेकिया में चला जाएगा दैट इज थ्रेटनिंग टू द लाइफ. खाना ट्रेकिया में क्यों नहीं जाता? क्योंकि यहाँ पे एक फिन फ्लैप है दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस. इसके बाद हम बनाएंगे पैनक्रियास. इट इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर. पैनक्रियास इज द ओनली ऑर्गन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक प्लेस. ये पैनक्रियास है. दिस इज पैनक्रियास. देन दिस पार्ट, इफ दिस पार्ट शुड बी सी शेप, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैमल्स और ह्यूमन बींग दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड ड्यूओडेनम शुड बी सी शेप. This is called fundus. Fundus is the upper part of stomach. What is the function of fundus? Fundus is for the storage of gases. आप experiment कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल पेट अच्छे से भर लें. Even की जो gases वाला portion है उसमें भी खाना भर लें तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी. सांस लेने में दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि ये portion खाली रहना चाहिए. Then next is this part is called cardiac stomach. This is called body of stomach. This is called pyloric part. This hole is called stomach. This hole is stomach. Then this is the first part of small intestine. पर इसके साथ पहले हम लीवर बनाएंगे. दीज आर द टू लोब ऑफ लीवर, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर. लीवर के लिए वर्ड आता है हेपेटिक. Right hepatic lobe. This one is called left hepatic lobe.
यहां से फिर डक्ट आ रही है जो कि लीवर का सेक्रेशन लेके आएंगी। दिस इज द डक्ट फ्रॉम लेफ्ट हेपेटिक लोब, दिस इज द डक्ट फ्रॉम राइट हेपेटिक लोब और यहां पड़ा है हमारा गॉल ब्लैडर। दिस इज गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर की डक्ट को हमेशा बोलते हैं सिस्टिकल। सिस्टिकल देन दिस इज हेपेटिक डक्ट। Hepatic duct, this one, this is cystic duct, and this one is bile duct. This bile duct open into this. This one is pancreatic duct. When the bile duct opens into pancreatic duct, this one is called hepatopancreatic duct. Hepatopancreatic duct, and this portion, this one, it is called hepatopancreatic ampulla. बाइल डक्ट में थोड़ा ऊपर दिख रही हूँ क्योंकि हमने जो ब्लेडिंग करनी है ऐसे नहीं करना कि हमारा एरो दूसरे एरो को क्रॉस कर जाए। दिस इज हेपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज नंबर क्वेश्चन शेप। यहाँ पे बेटा आपको सेगमेंटेड बनानी है क्योंकि ये जो इंटरस्टाइन है दैट इज सेगमेंटेड। ये सेगमेंट्स हैं इसके, these are the segments of large intestine। अब हमने इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन को दिखाना है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। पूरा पीछे
This is coiling of small intestine that is very much coiled without any space. Its length is large, 6.2 meter, but it is very much coiled. It is called small intestine due to its weight. First part is duodenum. Next part, this is yahan se yahan tak. That is jejunum. And this is the last part, that is called ileum. यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज्यादा कम कॉइल्ड पार्ट है रेटिनम और सबसे ज्यादा कॉइल्ड पार्ट है इलियम एंड दिस इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन. ये लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड सिकम. And this is the vestigial organ, vermiform appendix. अब आपको एकदम से दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए what you mean by vestigial organ वो है जो कि कभी हमारे बॉडी में फंक्शनल थे और अभी भी कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे काउ बफेलो इनकी बॉडी में फंक्शनल है. हमारी बॉडी में बिल्कुल रिड्यूस हो चुके हैं और फंक्शनलेस हो चुके हैं. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं. ये नेक्स्ट पार्ट है जो कि ट्रांसवर्स है और इसके बाद ये लास्ट पार्ट है जो कि नीचे की तरफ आ रहे हैं. दिस इज कॉल्ड असेंडिंग कोलन. देन दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कोलोन. ट्रांसवर्स कोलोन एंड दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलोन. दिस पार्ट इज कॉल्ड रेक्टम एंड दिस इज एनस. This is the diagram of digestive system. You have to draw this diagram. First part is buccal cavity. In the buccal cavity, there is first is parotid gland. Parotid gland it is the largest gland present just below the ear. पर ये जो तीनों gland है ये duct का ऊपर कर रही हैं buccal cavity में और हमें क्या provide कर रही हैं saliva. Submandibular, sublingual. Then next is pharynx. Pharynx का एक पार्ट कम्युनिकेट करता है ओरल कैविटी के साथ ओरोफेरिंग, नेजल कैविटी के साथ नेजोफेरिंग, लैरिंज के साथ लैरिंजियोफेरिंग्स. नेक्स्ट इज इसोफेगस. इसोफेगस इज कॉल्ड फूड पाइप. अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1/3 पार्ट ऑफ फूड पाइप इज वोलेंट्री. वोलेंट्री मीन्स विच वर्क अकॉर्डिंग टू अवर ब्रेन. Then this open into the stomach and here. अब आप देखते हैं कि आपके घर के भी गेट हैं, ऐसा तो नहीं गेट खोल दिया खुला रह गया. आप गेट खोलते हैं ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है क्योंकि वहां एक स्प्रिंग लगा होता है. ऐसे ही कुछ मसल्स के स्प्रिंग हमारे बॉडी पार्ट्स में भी लगे होते हैं. इन मसल के स्प्रिंग का क्या फंक्शन है कि फूड को एक बार यहां से यहां आने देंगे वापस नहीं जाने देंगे. इनको बोलते हैं स्फिंक्टर. यहाँ एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है हियर दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रो इसोफेगल. गैस्ट्रो इसोफेगल स्फिंक्टर किससे बने हुए बेटा? ये वॉल होते हैं. ये किससे बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ मसल. दे अलाउ द फूड टू मूव फ्रॉम इसोफेगस टू stomach but prevent its back flow. Then food stomach में आ गया है. अभी जस्ट मैं डायग्राम करवा रही हूँ, एक एक पार्ट को हम बाद में करेंगे डिस्कस. ये स्टमक का कार्डियक पार्ट क्यों बोलते हैं? कार्डियक पार्ट आता है हार्ट के पास क्योंकि ये पार्ट हार्ट के पास है. बॉडी ऑफ स्टमक एंड पाइलोरिक स्टमक.
And here further is present the sphincter that is called pyloric sphincter. यहाँ मैं साइड में लिख रही हूँ. This is pyloric sphincter. जब स्टमक में फूड आ जाता है तो स्टमक का फंक्शन क्या है? स्टमक की वॉल चर्न करती है फूड को, चर्निंग ऑफ फूड. जैसे ग्राइंडर में कुछ आप मिक्स कर रहे हो तो उस टाइम ये दोनों स्फिंक्टर बंद रहेंगे. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज सी शेप. अगर आप इसको सी शेप नहीं बनाते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन. नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं. और यहाँ पर भी फिर एक पॉइंट है कि स्टमक का फर्स्ट पार्ट फंडस है, पैकेटोफेटस ओपन कहाँ होता है? कार्डियक पार्ट में ओपन होता है. This is the first part of small intestine that is called duodenum. It is C-shaped. Next is jejunum. Next is ileum. यहाँ फिर question आता है, which is the much coiled part that is ileum. Then large intestine first part cecum. अब यहाँ आप देख रहे हो ileum cecum के साथ joined है. यहाँ फिर एक valve है that is called ileocecal valve. जो वेस्ट मटेरियल को ईलियम से सिक्कम में जाने देगा वापिस आने से रोकेगा. दिस इज कॉल्ड अपेंडिक्स. इट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. देन दिस पार्ट इज कॉल्ड असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड लास्ट पार्ट इज रेक्टम एंड द ओपनिंग ऑफ रेक्टम इज कॉल्ड एनस. देन दिस इज ऑल अबाउट द डायग्राम. फिर इसमें हम ग्लैंड की बात करेंगे. ग्लैंड तो जगह जगह प्रेजेंट है. बकल कैविटी में भी ग्लैंड है, स्टमक में ग्लैंड है, पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड है. पर पैंक्रियाज में डाइजेशन नहीं होता. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि बाकी सभी ऑर्गन में डाइजेशन हो रहा है, पैंक्रियाज में डाइजेशन नहीं हो रहा, जबकि पैंक्रियाज डाइजेशन के लिए अपने सेक्रेशन भी दे रहा है. देन दिस इज लीवर. लीवर के चार लोब होते हैं. दिस इज राइट लोब, लेफ्ट लोब और दो लोब पीछे की तरफ होते हैं. क्वाड्रेट एंड कोडेट लोब. क्वाड्रेट लोब कोडेट लोब. लीवर के साथ ही होता है गोल ब्लैडर. लीवर सीक्रेट करता है बाइल जूस. बाइल का आपको पता ही है, इसका रोल जॉन्डिस में भी है. लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है और गोल ब्लैडर बाइल जूस को तो बाइल जूस को लेकर जाती है बाइलर. सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो है दीज आर हेपेटिक डक्ट्स. हेपेटिक डक्ट जॉइंट विद द सिस्टिक डक्ट. सिस्टिक डक्ट इज द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर विच जॉइंट टू फॉर्म बाइलर. बाइलर को ओपन कर दिया पैंक्रियाज में. पैंक्रियाज में ओपन होने के बाद इसको बोलते हैं हम हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट. हेपेटो पैंक्रियाटिक डक्ट डायलेट होती है. डाइजेशन का मतलब चोरी होती है. अब इसको बोलते हैं हेपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला. अब आप देखिए जहां ये बाइल डक्ट ओपन हो रही है यहां फिर मसल प्रेजेंट है कि बाइल डक्ट की ओपनिंग को कब उनको रेगुलेट करना और कब छोड़ना है. यहां फिर मसल प्रेजेंट है जो सेकंड नंबर विच गार्ड द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट. दीज आर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन और जो यहां है दिस इज हेपेटो पैंक्रियाटिक एम्पुला. ये किसमें ओपन हो रहा है? ड्यूडेनम में. यहां जो प्रेजेंट है उनको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. इसको याद करने का एक तरीका, यहां बाइल डक्ट ओपन हो रही है तो ये दूसरे हैं बॉयडन और दूसरे हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई. तो यहां तक बेटा डायग्राम की एक बार प्रैक्टिस करें. दिस इज द कॉमन डायग्राम फॉर द 10th क्लास एंड प्लस वन क्लास. डायग्राम की जब प्रैक्टिस करेंगे फिर हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.